रमेश कुमार मताड़ी। प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। बताइए कहाँ? भिलाई से। जी सर। रमेश जी जन्म तारीख समय है? जी बताइए। 17 अगस्त। शुरू से संघर्ष। हाँ। 1966। समय 8:05। देखिए आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के दरवाजे के आसपास तिराहा चौराहा जरूर होना चाहिए। जी गुरु जी। सही बात। जी कुंडली अगर सही है तो मकान का जो मुख्य दरवाजा है उस दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का होल, पानी निकलने का पाइप जरूर होगा। यस सर। सही बात है। जी कुंडली ये बताती है। लोग बड़े शौक से जन्मदिन मनाते हैं लेकिन आप कभी भी जन्मदिन में रुचि नहीं रखते। जी कुछ सही बात है। जी ठीक है। कुंडली ये बताती है कि 2019 से 2021 के बीच आपको ये ज्ञान हो गया कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया। जी गुरुजी। सिर्फ रोना बाकी है, थोड़ी देर और बात करेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। सही बात। जी गुरुजी। इस वक्त ने आपको बुरी तरह तोड़ दिया और आप इस समय मन ही मन दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, एकांत में लाचार रहते हैं। जी गुरुजी। सही बात है। जी कुंडली आपकी सही है, क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी तबीयत के बारे में ज्यादा लाचारी है। ठीक है। देखिए कुंडली के अनुसार शरीर के जितने जोड़ हैं, कमर के जोड़, घुटनों के जोड़, हड्डियों के जो भी जोड़ हैं वो आपके परेशान करेंगे जीवन भर। ऐसा है जी। आपने घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ कोई बास बेसन लगवाया है क्या? जी पानी का कोई साधन? पानी रखा हुआ सर बाहर की तरफ में, उल्टे हाथ तरफ। जी ये कब से रखा? 5 साल? हाँ 3-4 साल हो गए सर। 3-4 साल। जी उसके बाद से तबीयत ज्यादा बिगड़ी है। जी उसको हटा दीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इतनी बात। ठीक है जी, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए आपकी कुंडली के अनुसार आपके शरीर में 3 तत्व की कमी है। आपको डॉक्टरों ने बताई भी होगी, हम ज्योतिष से बता रहे हैं, विटामिन D3 की कमी है। बोले हाँ जी। हाँ जो हाँ बोले नहीं है सर। सही बात है। जी नहीं, आपको विटामिन B12 की कमी है। हाँ बोलिए। जी आया सर। सही बात है। जी जी विटामिन D3 की कमी है। जी गुरु जी। कैल्शियम की कमी है। जी गुरु जी। तीनों तत्व की कमी आपके शरीर में है और आपको एसिडिटी भी बनती है। जी तो इसको आप कंट्रोल करें और ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में ले लें डॉक्टरों से मिलकर, तो आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, आप जिस पलंग में सोते हैं जी वो पलंग बॉक्स वाला है क्या? जी बॉक्स वाला। जी उस बॉक्स वाले पलंग में कुछ बर्तन रखे हैं क्या? जी खाली बर्तन। जी जी तो उसमें एक ऐसा बाउल रखा है, कटोरा। ये जो बाउल रखा है, जो कटोरा, खाली जी, बर्तन जी, उसके कारण आप बीमार रहते हैं। तो आप हमारी सलाह माने तो आप इस बॉक्स को पूरी तरह खाली कर दें, उसमें कोई बर्तन ना रहे। जी गुरुजी। कोई खाली पात्र ना रहे, आप 4 दिन में ठीक हो जाएंगे। और ये जो पानी की जो व्यवस्था है इसको हटा दीजिए। ये 2 काम आप करेंगे, आप पूरी तरह फिट हो जाएंगे और जिंदगी भर हमें मानेंगे। 1 सफेद मूंगा आप पहने, सफेद मूंगा आपको जीवन भर पहनना है जी। 1 चंद्रमणि पहनना है, विधिवत अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित रत्न होने चाहिए जी। कारण ये है कि जब तक अभिमंत्रित रत्न नहीं होंगे तब तक वो रत्न नहीं जी। जमीन में दबा है तो पत्थर है, शोरूम में सजा दिया तो पत्थर है, अंगूठी में हाथ में सजा दिया तो पत्थर। रत्न जो पत्थर है, पत्थर से रत्न बनने की प्रक्रिया एक ब्राह्मण के द्वारा विधिवत अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित रत्न ही रत्न कहलाता है, ये ध्यान रखिए जी। और आपको अंदर की बात बता दूं, ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण ऐसा छू दे और कह दे कि हमारी तरफ से भगवान का नाम लेके पहन लो तो आप पहन लो, वो रत्न का काम करे जी। लेकिन बाजार से कुछ भी खरीद के पहनने से ज्योतिष बदनाम होगी, ज्योतिषी बदनाम होगा, वो रत्न बदनाम होंगे और आप परेशान हो। नहीं नहीं गुरु जी, आप तो ये 2 रत्न आप धारण करें जी। ईश्वर ने चाहा तो आप भले चंगे हो जाएंगे,
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि बोलो उमापति महादेव की। चलो भैया ठीक, संतुष्ट हैं आप पूरी तरह? जी गुरु जी, गुरु जी। अच्छा ये बताएं, पास में करें, माइक पास में करें जी, बोलिए कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? मैं सर आपका 95 से 100% तक संतुष्ट हूँ सर। अरे बहुत बहुत नंबर दे दिया आपने, क्या नहीं सर, है ना सर, मैं देख आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। YouTube में देखता रहता सर। अच्छा YouTube में देखते हैं जी सर। चलो ठीक,